पता है हॉस्टल से घर आने की वन ऑफ द एक्साइटिंग चीज़ क्या होती है? अपने उन बचपन की यादों को फिर से जीना। जब जब अलमारी में से वो पुराने खिलौने जिनमें शायद थोड़ी धूल जमी होती है उन्हें मैं निकालता हूँ, उनसे बात करता हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत कुछ एहसास कराती है। वो चीख चीख कर मुझसे बोल रही होती है कि घर से जाते वक्त तो कुछ यहीं छोड़ गया था, बचपना। मुझे आज भी याद है नेशनल एंथम चल रहा था एंड वी आर सपोज टू स्टैंड, बट कुछ बच्चे अपने ही धुन में चले जा रहे थे क्योंकि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचती है, वो अभी तक कुछ रूल्स में नहीं बंधे। स्कूल से कॉलेज तक का वो बैग का बोझ तो हल्का हो गया, पर शायद उस बैग में काफ़ी कीमती चीज़ थी, सुकून। सुकून मिलता था वो बेबलेट खेलने से, कुछ भी ड्रॉ करने से, डिस्पाइट ऑफ इस सोचना कि वो परफेक्ट बने। आज ख्वाहिशों का मोल हजारों लाखों में हो गया है, तब तो 30 रुपये का किंडर जॉय भी किसी सरप्राइज से कम थोड़ी था। खैर, अब मैं मिस करता हूँ वो स्कूल के दिन जब मैं एक्साइटेड हुआ करता था घर जाने के लिए कि घर जाऊँगा और वाइस सिटी खेलूँगा, संडे को मस्त सिंचैन देखूँगा, हर रोज चौकोस खाना ताकि उसके साथ जो फ्री कार्ड आते हैं वो इकट्ठे करूँ और कलेक्शन बना लूँ, दिवाली पर फटाके खरीद कर आपस में बांटना। पर खैर, मुझे अफसोस नहीं है कि मैं अपना बचपना ठीक से जी नहीं पाया, क्योंकि यार शायद यही तो ज़िंदगी है ना, बचपन में सोचना कि हम कब बड़े हो जाएंगे और बड़े होकर सोचना कि बचपन ही कितना सही था यार। बस इससे हम एक चीज़ सीख सकते हैं कि हम अपने आज में जिए, दिल में वो बचपना लेकर। अब खैर यार, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। पता है वापस आऊँगा तो फिर ये खिलौने बोलेंगे कि तू फिर पिछली बार जाते वक्त कुछ छोड़ गया था, तेरा बचपना।